नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। लोकसभा चुनाव से पहले जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि सीएए कानून को देश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले ठीक पहले वो लागू कर देंगे, और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि सीएए कानून को भारत के अंदर सरकार ने लागू कर दिया है, पोर्टल भी बना लिया गया है। और इसके अलावा इसमें जो बातें बताई गई हैं, उन्होंने कहा है कि तीन देश हैं मुस्लिम जो पड़ोसी देश हैं उनके, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहां के जो गैर मुस्लिम प्रवासी लोग हैं उनको भारत में नागरिकता मिलेगी। इस कानून के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें। 2019 में भी इसे लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय एक विशेष समुदाय के लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी नागरिकता ना इसकी आड़ में कोई चाल ना चली जा रही हो, नागरिकता उनसे छीन ली जा रही हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब लोग समझ गए हैं, विशेष समुदाय के लोग भी समझ गए हैं कि ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, और लोकसभा चुनाव से पहले इसे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जैसे कहा गया था लागू कर दिया गया है। इस पर राष्ट्रीय बजरंग दल के हमारे जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश बजरंगी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा राकेश जी, ये बहुत बड़ी खबर है कि देश के अंदर अब सीए कानून जो है वो लागू हो गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नागरिकता संशोधन कानून जो 2019 में सरकार ने इसको पारित किया था, लेकिन किसी वजह से ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि शाहीनबाग के अंदर कुछ लोग जो हैं वो वहां पर धरने प्रदर्शन करना शुरू हो गए, वहां पर बैठ गए, वहां पर टेंट लगा दिए, उन टेंटों के अंदर जो है वो बैठ गए और कई महीने जो है वहां पर जो है वो धरने प्रदर्शन चले जी, और उन लोगों को भी एक्सपोज करने के लिए देश के काफी लोगों ने इसका भी विरोध जो है वो शुरू किया। ये जो लोग थे ये केवल लोगों को भड़काने का काम जो है वो कर रहे थे, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के तहत चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, वहां पर जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे जिनके साथ धर्म के नाम पर उत्पीड़न होता था। हाँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से पहले जो गैर मुस्लिम लोग थे उनकी संख्या कितनी थी और अब वो कितनी रह गई, क्योंकि प्रताड़ित हुए, उनके धर्म परिवर्तन हुए, उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिली, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किए गए, उनको लूटा गया, उनको मारा गया, इस प्रकार के काफी उत्पीड़न जो है वो वहां पर की गई। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर आपने देखा किस प्रकार से मंदिरों के अंदर हमले, मंदिरों के अंदर तोड़फोड़, किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनके आश्रमों के अंदर जो आश्रमों के अधिकारी हैं उनके हत्याएं करना, इस प्रकार की। अफगानिस्तान के अंदर देखा कि सिख कम्युनिटी के को भी टारगेट वहां पर जो है वो किया गया, पाकिस्तान के अंदर भी किया गया। तो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम नागरिकता संशोधन कानून जो है वो हम अपने देश के अंदर लाएंगे, और उन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में रखा था, और उसके बाद इसको जो है वो उन्होंने इसको अपने राज्यसभा लोकसभा में पारित भी किया। लेकिन इन लोगों के विरोध की वजह से, क्योंकि कुछ देश विरोधी शक्तियां नहीं चाहती थी कि इस प्रकार का कानून कोई है जो है वो देश के अंदर आए, और उन्होंने लोगों को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया, उन लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि आपकी नागरिकता के ऊपर जो है वो खतरा मंडरा जाएगा, ये सरकार आप लोगों को देश से निकालना चाहती है, इसलिए वो इस कानून को ला रही है। इस प्रकार से भड़काने का काम जो है उन लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ी देर तक एक लंबा समय लिया और उनको समझाने का कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बाहर से प्रताड़ित होकर आएंगे, जो उसके अंदर 6 कम्युनिटियां जो वो प्रताड़ित होकर होंगे और वो अगर भारत के अंदर पनाह लेना चाहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता जो है वो दी जाएगी, इसमें कुछ एक समय सीमा जो है वो रखी गई है, तो वो चीज थी। और उसके बाद आज काफी दिन से जो है गृह मंत्री, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, वो लगातार कह रहे थे कि हम अपना वादा पूरा करेंगे और नागरिकता संशोधन कानून को हम लागू करेंगे। अभी कल की स्टेटमेंट है, कल की या परसों की स्टेटमेंट है कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको लागू नहीं होने दूंगी। इस प्रकार की धमकियां देना सरकार को, और आज उस धमकी का जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने, अपने गृह मंत्रालय ने इस कानून को जो है पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। बड़ा खुशी का पल है कि हमारे वो भाई जो बाहर देशों में प्रताड़ित हो रहे थे, जिन्होंने कई प्रकार की प्रताड़ना जो है उन लोगों से सही, जिन्होंने भारत में आकर शरण भी ली थी, क्योंकि जाते कहां,
देखिए अभी कई जगह है, दिल्ली के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां बाहर के लोग जो हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने यहां पर शरण ली हुई है, क्योंकि वो वहां पर बहुत भारी प्रताड़ना जो है उन्होंने सहन की है उनकी। जिस प्रकार से आपने पहले भी देखा कि जिस प्रकार से हिंदुओं की बहु बेटियों को उठाकर ले जाना, नाबालिग बच्चियों को उठाकर ले जाना, उनके धर्म परिवर्तन कराने, उनके जबरदस्त निकाह कराने, इस प्रकार की जो सूचना है, जो खबरें हैं, वो लगातार हम पत्राचार के माध्यम से देखते रहते हैं। जिस प्रकार से वहां के व्यापारियों को मारना, वहां के व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करना जो गैर मुस्लिम है, वो सारी चीजें सामने आती रही हैं। जो हमारे वहां पर पुराने जो हैं जगहें हैं, जैसे कोई महाराजा एक वो अपना एक वो था स्टैचू था, उसको तोड़ने की कोशिश की, महाराजा रणजीत सिंह का शायद वो था, उसको स्टैचू को तोड़ दिया। इस प्रकार से कई चीजें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है वो भी सारी सामने रही। हमने बांग्लादेश के ऊपर जब हमारे मंदिरों के ऊपर हमले किए गए, हमारे लोगों के ऊपर हमले किए गए, हमारे लोग जो है जंगलों में छुपे, तो उसके ऊपर भी हमने में विरोध प्रदर्शन किया था और हमने सरकार से एक अपील की थी कि हमारे लोगों को बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर वहां पर बाहर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, बाहर अगर हिंदू इन देशों के अंदर प्रताड़ित हो रहा है, तो उसको बचाने का जिम्मा जो है हमारी सरकार ने लेना चाहिए, क्योंकि बाकियों के लिए तो सभी बोलते हैं लेकिन इन हमारे लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो भारत देश है, भारत देश उसके ऊपर बोले, इसलिए एक बड़ा खुशी का पल है कि आज नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया गया है और उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और भारत देश के अंदर उनको नागरिकता प्राप्त होगी और वो यहां पर जो है आराम से यहां पर रह सकेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे और इसी प्रकार से जैसे हम अपना जीवन यहां पर यापन कर रहे हैं, वो भी इसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं और जो दूसरे नेता हैं, दूसरी पार्टियों के विपक्षी नेता, जो चाहते हैं कि इन बातों का फायदा उठाया जाए ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, तो ये प्रदर्शन ना शुरू करवा दें। देखिए ये देश विरोधी ताकतें जो हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए सरकार ने एक लंबा समय लिया है इसको पारित करने में, सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का काम भी किया है, और अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर कोई इस प्रकार की हरकतें हिमाकतें करेगा तो सरकार बख्शेगी नहीं। ये कोई किसी के सपोर्ट से बनी हुई सरकार नहीं है, फुल बहुमत की सरकार है और उसको मालूम है, ऊपर उधर मोदी जी बैठे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं। तो वो देखिए, हम सरकार जहां बुरा काम करेगी हम सरकार का विरोध करेंगे और जहां सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार को अप्रिशिएट भी करेंगे, सरकार का अभिनंदन करेंगे, सरकार का धन्यवाद करेंगे। और इसीलिए हम नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, हम माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और हम भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने वादे को जो है वो पूर्ण किया और ये नागरिकता संशोधन कानून को आज लागू जो है वो कर दिया। जश्न भी मनाएंगे अब आप? देखिए जश्न तो मनाने का काम है, हम तो मनाएंगे, अगर 370 हटी हमने जश्न मनाया, क्योंकि जो हम डिमांड जो है सरकार से रख रहे हैं, सरकार वो डिमांड पूरी करती रहेगी तो हम जश्न मनाएंगे, हम सरकार का अभिनंदन करेंगे। हमने कहा सरकार जहां गलत होगी, जहां सरकार गलतियां करेगी सरकार का विरोध भी होगा, और अगर जहां सरकार जो है अच्छा काम करेगी तो सरकार का अभिनंदन भी होगा, सरकार का फेवर भी लिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन किया जाएगा, माननीय गृह मंत्री जी का भी अभिनंदन जो है वो किया जाएगा। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करें, धन्यवाद जी। तो दूसरे देशों में जो धर्म के नाम पर उत्पीड़ना लोगों के साथ होती थी वो अब शायद बंद हो जाए और जो लोग भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं अब उन्हें नागरिकता मिलेगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।